नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सागर जिले से। जी हाँ, जहाँ एक और कोरोना के मामले अब घट रहे हैं, वहीं एक नई आफत आ रही है ब्लैक फंगस के रूप में। जी हाँ, ब्लैक फंगस सागर में लगातार पांव पसारते जा रहा है और आज एक दुखद खबर निकल कर खुरई से आई है। ब्लैक फंगस से एक व्यक्ति की मौत हुई है। जी हाँ, खुरई में ब्लैक फंगस की दस्तक हुई और शर्मा वार्ड निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति की ब्लैक फंगस से मौत हुई है। दरअसल हम आपको बता दें कि खुरई में ब्लैक फंगस ने पांव पसारे और एक 55 वर्षीय व्यक्ति की आज मौत की खबर है। सागर के निजी अस्पताल में भर्ती रहे हैं, कोरोना से तो ठीक हो गए थे लेकिन उसके बाद ब्लैक फंगस के शिकार हुए और भोपाल की हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खुरई में ब्लैक फंगस के मामले से लोगों में अब दहशत का माहौल है। सुनिए जरा मृतक के परिजनों ने क्या क्या बातें बताई हैं। भाई, पहले यहाँ खुरई एडमिट रहे, फिर सागर राय हॉस्पिटल गए, 80% डैमेज थे अपने, लेकिन सागर में कुछ ठीक हुए। कोरोना से तो नेगेटिव हो गए थे लेकिन उनको ब्लैक फंगस बताया सागर में, उनको इमीडिएट भोपाल शिफ्ट किया हमीदिया में। 2 दिन वो हमीदिया में रहे और उसके बाद आज सुबह उनका देहांत।